एग्जिट पोल को लेकर कई दिनों से पूरे प्रदेश की तरह नीमच में भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी। बीती शाम अलग अलग चैनलों द्वारा एग्जिट पोल प्रसारित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के प्रति सहमति जताई तो कुछ लोगों ने इसके लिए संशय भी जताया। लोगों का कहना था कि चंद व्यक्तियों द्वारा दी गई राय और सैंपलिंग पर पूरे प्रदेश के रिजल्ट के बारे में अनुमान लगाना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आशा के अनुरूप परिणाम आ रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि एग्जिट पोल आउट कांग्रेस इन 3 दिसंबर को ही सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये जरूर बताते चलें कि एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार में काफी उथल पुथल मच गई है। सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, एग्जिट पोल भी एक तरह का व्यवसाय बन चुका है इस देश के अंदर। वो जहाँ से एग्जिट पोल की शुरुआत हुई है वहाँ पर भी लोग एग्जिट पोल पे कभी भरोसा नहीं करते। रहा सवाल एग्जिट पोल जो आए हैं, वो एक अपने अपने तरीके से लोगों ने आकलन किया है, पर जनता का आकलन क्या है ये तो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि जनता क्या बोल रही है और जनता ने इस पर मोहर लगाई। कांग्रेस पीछे नज़र आ रही है। कांग्रेस न तो पीछे है और न पीछे रहेगी। कांग्रेस जिस मजबूती के साथ पांचों जगह पर जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर लड़ी है, उसके परिणाम 3 तारीख को आएंगे तो आप स्वयं इस चीज़ को मानेंगे कि वाकई में क्या बात है और कांग्रेस ने किस नेतृत्व के अंदर के तहत जिस नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ा है दमदारी से, वो आने वाले समय का भविष्य। एग्जिट पोल जो जिस तरीके से चैनलों ने अपने अपने सर्वे अनुसार बताया तो उन्होंने दोनों तीनों पार्टियों को खुश करने का सर्वे है। उन्होंने एक औसतन एक विधानसभा से 5 या 25 या 50 लोगों का ओपिनियन लेके जो करा है, मेरे को कहीं से कहीं तक ऐसी एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठे ऐसी संभावना कम है असमंजस की। एग्जिट पोल आउट कांग्रेस इन, एग्जिट पोल पिछले 5-6 समय से हम लगातार देख रहे हैं कि अपनी जो उन्होंने सर्वे किया उस पर खरे नहीं उतरे। मध्य प्रदेश में भी यही होगा। कांग्रेस 150+ सीटें लेकर आएगी और एग्जिट पोल आउट हो जाएंगे। एग्जिट पोल जो बताए हैं तो दोनों मिला जुला असर है, उसमें कई जगह कांग्रेस की भी बढ़त बताई है। निश्चित ही वो एग्जिट पोल जो हैं वो उन्होंने ईमानदारी से काम किए होंगे, क्योंकि जनता ने जो युवा वर्ग हैं और जो महिला वर्ग हैं, नारी सम्मान हमारी योजना थी युवाओं के लिए, और जो पुरानी पेंशन लागू करने की बात थी कांग्रेस की, उनको देखते हुए मतदाता ने जरूर वोटिंग करी है और कांग्रेस के हित में करी है। एग्जिट पोल को ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह ने जो लाडली बहना योजना लागू करी है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत करी है, उसके बल पर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और निश्चित ही हम विजय का पताका फहराएंगे। जनता के विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी कसौटी पे खड़ी उतरी है। जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का समर्पण, ये हमारी जीत का आधार होगा। जहाँ तक एग्जिट पोल का है, वो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान दिखाया है, मध्य प्रदेश का हर कार्यकर्ता जनता पे विश्वास करता है। एग्जिट पोल अपनी जगह है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत की राह पे आगे बढ़ रही है और इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ हम 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सही बता दें, लेकिन एग्जिट पोल फेल होते हैं तो इस बार भी कुछ चैनल ने जो बताया है वो ठीक निकलेगा। कांग्रेस की जो सरकारें 2-3 जगह बन रही है बता रहे हैं, एग्जिट पोल में 2-3 जगह जो स्पष्ट बता रहे हैं, एक जगह संशय है वो MP पर MP में भी लगता है कांग्रेस की सरकार बनी, वो एग्जिट पोल में फेल है। ये तो कुछ नहीं सकते क्योंकि अभी तक तो सब जगह कांग्रेस आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, कल राजस्थान में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन लास्ट का एग्जिट पोल देखते हुए लग रहा है कांग्रेस के पीछे हो गई। एग्जिट पोल को लेकर क्या टिप्पणी है, सटीक बैठते हैं क्या कहें? सटीक तो नहीं बैठ सकता है अभी, क्योंकि 3 दिन पड़े हुए, 2 दिन पड़े।
करते हैं। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और एक कुछ इसके लेके जिस प्रकार से 18 वर्षों से युवा शिक्षित बेरोजगार है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल घोषणा भी रहे झूठी झूठी घोषणाएं करते हैं। पिछले 5 साल से जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती नहीं आई 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी और अभी तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं और बड़े लंबे लंबे घोटाले हुए जिस प्रकार से अभी जो घोटाला हुआ लेटेस्ट घोटाला पटवारी घोटाला इस प्रकार से पूरे युवा शिक्षित परेशान है इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। एग्जिट पोल बहुत शानदार एग्जिट पोल आया है पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का तीनों विधानसभा पर परचम फैलाया जाएगा और तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं ये मान के चलना आप पूरे प्रदेश में भाजपा की आंधी आ रही है और हम कम से कम 150 सीटों से अधिक जीतेंगे और नीमच विधानसभा मनासा विधानसभा और जावद विधानसभा हम तीनों विधानसभा को भी जीत की ओर है। मैंने तो 2018 में उम्मीद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर वापस कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा यहाँ से जीत चुके हैं और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ एग्जिट पोल को कितना सरकार बनाएंगे एग्जिट पोल को कितना सरकार बनाएंगे फिर वापस में आपको एग्जिट पोल को कितना सटीक मानते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीमच जिले से तीनों विधायक जीत चुके। एग्जिट पोल जनभावना का प्रतीक है एक सांख्यिकी गणित है उसके अनुसार ही अभी तक निष्कर्ष निकल के आए हैं। 19-20 होता है परंतु हम उत्साहित हैं हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। काफ़ी गुस्सा है 2003 का से बहुमत वाला जो बहुमत एक तरफा एक स्लिप होने वाली है हम काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में जोश है उत्साह है और हम जीतने जा रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।